अज तो साढ़े पिंड की सूरत हाल इस तरह की है जी। साढ़े पिंड की खासकर एक सौन भादों का मौसम आ, कोई पता नहीं लगता है जी बारिश किस टाइम बने ना बन्ना जरा छड़ जाती है। घरों तो मैं आया सी, मैं उधर जाना नवे घर, लेकिन रास्ते दे विच फिर दोबारा बारिश शुरू हो गई। साडा चौक आ, चौक दे दुकानां सारियां खुलियां तकरीबन। हाँ जी, बारिश काफ़ी दिन दी आई नहीं हैगी, लोग तरस गए बारिश में, बहुत ज़्यादा गर्मी पई है। अज आई है तो दो दिन हो गए समझ लो भी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। चौक सारा पानी नाल भर चुका है, ओ अगे तिकर बाजार जड़े है, चलो थोड़ा अगे तिकर बाजार पानी नाल भर गया। बारिश इन्नी तेज़ आ कि इन्नी तेज़ बारिश के बच्चे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, पानी एवं इकट्ठा हो जाना, बारिश पै के हटेगी रुकेगी तो फिर पानी जाके तुम फिर दोबारा इकट्ठा हो जाएगी। तकरीबन 15 मिनट हो गया बारिश हो रही, इन 15 मिनटों के बच्चे बारिश ने हल्के मचा छी है। तकरीबन दो दिन हो गए बारिश होंगी, परसों आज तो दो दिन पहले जिम्मे रात वाले दिन 4 बजे बारिश आई सी, अज फिर 4 बजे ही आई है। समझ परसों 4 बजे तो बारिश शुरू हुआ, तो अज सारी दिहाड़ी, कल सारा दिन गुजर गया और अज सारी दिहाड़ी फिर समझो इस दिन बारिश होती गुजर गई है। ये 4 घंटे की बारिश ने हर पासे समझ लो एक दफा फिर दोबारा देखो पानी पानी कर दिता, चौक साडा सारा पानी नाल भर चुका हो। सारा तोड़ तोड़ चौक पानी खराब, बहुत ही तेज बारिश है, बहुत तेज बारिश है। पानी चल पिया वा एन जिद नाले चलते,
के बूटा सब्जियां लगी इस जगह खड़ा आ दुकान खतरा भी इतना बहुत ज्यादा क्योंकि दो ट्रांसफार्म लगे हुए नाल बारिश पै रही है किसी टाइम भी कोई टाका मार सकता इस करके इतने भी खतरा ही है लेकिन कोई गल नहीं खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं बारिश हटन का कदों बारिश हटती है फिलहाल तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है बहुत ही तेज़ बारिश अच्छा बूटे को अंब लैस ही आने के मैं अंब लैके चलते घर बच्चों वास्ते अंब खाने बच्चे इतने पहुंचे ही हैं तो नाल ही फस गए इतने बारिश के पानी गुजर रहा बारिश का सारा कुछ एक जहा हो गया है चौक का जो लैवल है पानी का तकरीबन एक जहा हो गया बहुत ज़्यादा बारिश हो गई बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही मैं खतरा बनया खरा कि मेरे प्लाट के नाल जो प्लाट वो नीवा वा उधर वो प्लाट पानी का भर के तो इधर मेरे नाली नीह के पानी ना चला जाए इस बारिश की वजह तो जिमीदार का जो नुकसान है जी वो अजक मूंगी की फसल आ फसल जी जिन्हें वढ़ी है समझो या जिन्हें फसल तैयार आ वह मूंगी की फसल जी बिल्कुल सत्यानाश हो गया इन्नी बारिश ना मूंगी की फसल का बिल्कुल सत्यानाश हो चुका सारा बारिश ना पहला भर गया हुआ ओ थोड़ा थोड़ा बारिश पानी पानी है बारिश इस साइड में चौक पानी पानी है और इस साइड में सारा पानी पानी है इस साइड को देख के अंदाजा हो सकता कि साढ़े पिंड के साढ़े को कितनी ज़्यादा तेज तूफानी बारिश चल रही है बहुत ज़्यादा बारिश है जा मेरे सोने मालिका बस कर बहुत हो गई है बहुत हो गई है साढ़े पिंड के लोगों वास्ते इन्नी बड़ी है इन्नी तेरी रहमत बड़ी है यार बड़े तला बस माफ कर दे जी गुनाहगार बस कर दे बहुत ज़्यादा गरीब लोग जेडे बेचारे इस बारिश की वजह तो अज परेशान हो जाने मकान चो गए हुए कल की बारिश नाली मकान चो गए बहुत बुरे हालात हो गए कल की बारिश नाली और आज जी ये बारिश हुई है ये तो सरदार बारिश हो गई है सारे बस कर लखनऊ बस कर बारिश के कुछ हालात इस तरह के है जी कि पिंड गलियों में तो पानी खड़ा होना ही होना सीगा खेतों के भी पानी इन्ना खड़ा हो गया पूरा खेत जो पानी नाल भरया हुआ पूरा एक एकड़ है जो एक किला यानी कि बिल्कुल भरया खड़ा तो बारिश रुकन का नाम नहीं ले रही हैगी अज दूसरा दिन हो गया यानी कि कल पूरी दिहाड़ी बारिश पई अज पूरी दिहाड़ी बारिश पई और परसों चार बजे की शुरू हुई यानी कि हर पास खेतों जी पानी खड़े हो गए एक पाह खेत खेत तो एक पाह खेत भी पानी इन्ना खड़ा हो गया अल्लाह तला अगर दवा के अल्लाह तला बस कर दे काफ़ी सारे पिंड घर ऐसे है गरीब बेचारे कि जेड़े अपने घर के गार्डर के थले थमियाँ ला के तो अंदर में बैठे आ कि उन्होंने जो जानवरों के मकान होंगे उन्होंने भी बदतर हो गए हुए अल्लाह ताला हर गरीब की हिफाजत करे जी मेरे अपने मोहल्ले में एक ऐसा मकान है घर गरीब घर का कि वो भी इन्ना पानी अंदर गया कि घर वाले थमियाँ ला के बैठे बेचारे बाकी जी चाहवा इजाजत दोबारा कि वीडियो होवे हाजिर खुदा हाफिज़।